प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोर्टदाग के स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। मंत्री श्री महतो पोर्टदाग में शहीद मुक्तेश्वर महतो के 24वां शहादत दिवस में भाग लेने पोर्टदाग पहुंचे थे। शहादत दिवस में भाग लेने के बाद जब वे वहां से निकलने लगे तो कार्यक्रम स्थल के समीप स्थित विद्यालय में MDM खिलाने का समय हो गया था। बच्चे अपनी अपनी थाली चापाकल में साफ कर रहे थे। यह देख मंत्री चापाकल पहुंचे और खुद चापाकल चलाकर बच्चों को हाथ बटाया। इसके बाद वे बच्चों के साथ MDM खाने के लिए लाइन में बैठ गए। इस दौरान बच्चों के साथ साथ मंत्री ने भी एक थाली में दाल भात और चोखा लेकर बच्चों के साथ MDM खाने लगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से खाना के स्वाद के बारे में पूछा और बहुत कुछ बातें भी की। भोजन करने के बाद उन्होंने रसोईया को बुलाकर बात की और स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रशंसा की और अपनी ओर से मिठाई खाने के लिए कुछ रुपए भी दिए। इस संबंध में पूछे जाने पर मंत्री श्री महतो ने कहा कि खाना स्वादिष्ट था, लेकिन मेनू कुछ बदला हुआ था, लेकिन खाना बढ़िया था, हमने मन भर कर खाया। रसोईया सबको हम खुशी से मिठाई खाने के लिए कुछ राशि दिए। अब एक दिन आएंगे और विद्यालय का पठन पाठन देखेंगे। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, 20 सूत्रीय अध्यक्ष डिगलाल महतो, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार पांडे, कारी बरकत अली, उप प्रमुख उपेंद्र महतो, डेग नारायण महतो, पूर्व जीप अध्यक्ष राकेश महतो, मुखिया दिलीप कुमार, जगदीश महतो, वासुदेव महतो आदि उपस्थित थे।